वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले अपने चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी ते इस नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। अपनी अज दी वीडियो उहनां लोकां लई है जो कह दिंदे आ कि असीं बहुत दुखी आ अते इहनां दुखां दे छुटकारे तों असीं सब कुछ करके देख लिया है। भाव कि असीं सुखमनी साहिब जी दे पाठ कीते, जपजी साहिब जी दे पाठ कीते, जे किसी ने कोई शब्द दस्या ओह वी कीता, पर सानूं साडे दुखां तों छुटकारा नहीं मिलिया। कहण दा भाव कि सानूं साडे कीते हुए पाठ दा फल नहीं मिलिया। इसे कारण ओह रब नूं गिले शिकवे करदे आ, रब नूं दोष दिंदे आ। तो देखो जी, सब तो पहला तां साडी इह बहुत माड़ी आदत है कि जदों वी साडी कोई अरदास जां साडी मंग पूरी नहीं हुंदी ते असीं सब तो पहला रब नूं दोष देण लगदे आ, वाहिगुरु जी नूं लांबे दिंदे आ। हुण इंज चाहीदा कि सब तो पहला अपने अंदर जात मारो कि कमी कित्थे रह गई, कि मेरे पाठ करन विच कोई कमी रह गई, कोई गलती रह गई जां मेरी अरदास करन दे विच। क्योंकि आपां जदों वी कोई किसी दुख तों छुटकारे लई जां रोग तों छुटकारे लई कोई पाठ जां जात करदे आ ते अपना ध्यान अपनी उसे मुश्किल अपने दुख रोग विच हुंदा है। पर होना की चाहिदा है, साडा ध्यान उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे चरणां विच जुड़ना चाहिदा है। पर आपां इंज कर ही नहीं पाउंदे, साडा ध्यान साडा मन टिकदा ही नहीं। तो इस करके सिर्फ रट्टे नाल कीता होया पाठ कि आपां सिर्फ जबान राही पाठ कर रहे हैं पर साडा मन किते होर ही अपनियां उलझना विच उलझिया है ते इंज पाठ दा फल प्राप्त नहीं हुंदा। सब तो पहला अपने मन नूं जोड़न दी कोशिश करो, अपने मन नूं टिकाउण दी कोशिश करो। पाठ चाहे घट कर लो पर करो पूरे प्यार सत्कार अते भरोसे दे नाल। इत्थे सब तो जरूरी है भरोसा, क्योंकि जे साडा भरोसा है विश्वास है तां ही साडा कीता होया पाठ काम करेगा। ते आओ जदों वी पाठ करिए पूरे प्यार सत्कार श्रद्धा नाल अते विश्वास नाल जाप करिए तां साडे कीते होए पाठ दा फल जरूर मिलेगा। ते आओ अज तो रोजाना ही अमृत वेले उठिए, अमृत वेले उठ के पांच बाणियां दा नितनेम करिए। नितनेम नहीं कर सकदे तां घट्टो घट एक जपजी साहिब जी दा पाठ जरूर करना जदों भी समां मिले। मूल मंत्र जी दा जाप जां वाहिगुरु जी दा सिमरन जरूर करना तां देखना मेरे वाहिगुरु जी साडे ते वी जरूर तरस करनगे अते सानूं वी साडे कीते होए पाठ दा फल जरूर मिलेगा।